अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। ये सब्जेक्ट आपके एडीसी पार्ट टू के सिलेबस में शामिल है एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल द सिलेबस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट एंड फर्दर आई एम गोइंग टू पॉइंट आउट सम की चैप्टर्स। और वो क्या चैप्टर्स वो हैं जिन पे मैं ये स्टैरिक बना रहा हूँ। और फाइनली आई विल डिस्कस विद यू द पेपर पैटर्न के इसका एग्जाम में पेपर किस तरह से आ रहा है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपको इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं। सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी ओरिएंटेशन लेक्चर, उसका सिलेबस और उसका पेपर पैटर्न। द वेरी फर्स्ट वन चैप्टर एज पर सिलेबस इज इंट्रोडक्शन। इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है, बिजनेस किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। कम्युनिकेशन की दो बेसिक फॉर्म्स होती हैं, कि वर्बल कम्युनिकेशन है, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और बिजनेस कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी बिजनेस में, एक क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनता है, हर साल पेपर में आता है, बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स हम ये पढ़ेंगे किस तरीके से कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिंदगी की हैसियत रखती है, ब्लड की हैसियत रखती है। दैट्स व्हाट ऑल बेसिक थ्योरीज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस इंट्रोडक्टरी लेक्चर आई एम गोना डिस्कस। लेटर ऑन मैं आपसे जो चैप्टर डिस्कस करूंगा वो है बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल्स। दिस चैप्टर हैज टू मच इंपॉर्टेंस इन दिस सब्जेक्ट। इस चैप्टर को पढ़ने के तीन फायदे आपको होने वाले हैं। पहला फायदा, एग्जाम में क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता ही आता है। दूसरा फायदा, इस चैप्टर से डूअर्स डायरेक्टेड के नाम से क्वेश्चन बनकर आता है, आपको कुछ जुमले दिए जाते हैं और उन जुमलों को आपने रेक्टिफाई करना होता है। जैसे कि आपने शायद मैट्रिक इंटर की इंग्लिश में पढ़ा होगा, एक जुमला लिखा हुआ होता था पर उसको रेक्टिफाई करना होता था, यहां पर भी कुछ इस तरह के जुमले आएंगे जिनको आपने करेक्ट करना होगा, उनमें कुछ मिस्टेक होगी, उनमें कुछ एडिशन रिक्वायर होगी। मिसाल के तौर पर राइटिंग प्रिंसिपल से मुराद ये लिखने के कुछ उसूल मुझे पढ़ाने, वो उसूल सात हैं, सेवन प्रिंसिपल्स हैं। क्या क्या है वो? कंप्लीटनेस, कोई भी मैटर, कोई भी पीस ऑफ मैसेज, पीस ऑफ लेटर, पीस ऑफ रिपोर्ट आप लिखने जा रहे हैं, उस मैटर को कंप्लीट होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए। कॉन्क्रीट, ठोस, जानदार, जामे होना चाहिए। कंसाइज, उसमें मुख्तसर और इख्तसार होना चाहिए। कंसिडरेशन, काबिले गौर, काबिले तवज्जा होना चाहिए। कर्टेसी, उसमें आजिजी, इंकिसारी, शाइस्तगी होनी चाहिए। फाइनली करेक्टनेस, उसमें करेक्टनेस, दुरुस्तगी होनी चाहिए। क्लैरिटी, वो वाजे होना चाहिए किसी भी रीडर को, उसको पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग वो हो जो आप उसको देना चाहते हैं। ये सेवन प्रिंसिपल्स हैं और सातों के सातों प्रिंसिपल सी से शुरू होते हैं। कंप्लीटनेस, कॉन्क्रीटनेस, कंसाइसनेस, क्लैरिटी, कंसिडरेशन, कर्टेसी, करेक्टनेस। और ये सातों के सातों प्रिंसिपल चूंकि सी से शुरू होते हैं इसलिए इन्हीं को सेवन सीज भी कहा जाता है। इन्हीं सेवन सीज में से डूअर्स डायरेक्टेड बनकर आते हैं। अगेन, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इन सेवन प्रिंसिपल्स पे बहुत अच्छी तरह हो जाती है तो आपको ये चैप्टर हेल्प करेगा आगे चल के बिजनेस लेटर्स को लिखने में, ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा आगे चल के बिजनेस रिपोर्ट को लिखने में, और यही चैप्टर आपको हेल्प करेगा मार्केट रिपोर्ट लिखने में। इससे आप अंदाजा लगा लेंगे इस चैप्टर की कितनी अहमियत है। और आई एम गोना डिस्कस इन डिटेल विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स एज पर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो मैं आपसे बहुत अफसल से पढ़ाने वाला हूँ इस चैप्टर में। और ये चैप्टर ना कि सिर्फ आपके सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएगा, मैं समझता हूँ आपकी डेली रूटीन, डेली लाइफ, आपकी जिंदगी में भी इस सब्जेक्ट से बहुत हेल्प मिलेगी कि आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज न्यू चैप्टर। याद रखिएगा, हम अपनी जिंदगी में दो तरीके से लोगों से मुखातिब होते हैं। एक ओरल कम्युनिकेशन है, जबानी तौर पे आप किसी से बात कर रहे हैं, और एक रिटन कम्युनिकेशन है। याद रखिएगा, जब भी रिटन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होगी, रिटन कम्युनिकेशन में लीगल कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होती हैं बनिस्बत ओरल कम्युनिकेशन के। आप किसी को गाली दे देते हैं, खुदा ना खास्ता धमकी दे देते हैं, या कोई आपको धमकी दे देता है, या कोई किसी भी किस्म का प्रेशर क्रिएट करता है, कोई थ्रेट करता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने उधार पे माल बेचा, कलेक्शन करनी है, मगर कलेक्शन हो नहीं पा रही, और गुस्से में आपकी जबां से इंसल्टिंग और कटिंग रिमार्क्स निकल जाते हैं। तहरीरी तौर पर अगर आपने भेज दिए तो उसके पास एक प्रूफ होगा, वो आप पे सूट फाइल कर सकता है, वो आप पे मुकदमा कर सकता है, फिर आपको जस्टिफिकेशन देनी होगी, आपने ये बात क्यों बोली, किस लिए बोली।
then you need to have complete detail and knowledge about legal complication regarding business. तो आपने अपनी communication में legal complication से अगर बचना है तो यहाँ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पांच चीजें, जिसमें एक defamation, किसी को बदनाम नहीं करना आपने, invasion of privacy, आप किसी के personal matters में मुदाखलत नहीं कर सकते, law regarding employment, credit and collection, उधार पे माल बेचना है, collection कैसे करनी है, employment, रोजगार के कुछ issues, उसमें recommendations आपने भेजनी है नहीं भेजनी, क्या complications आ सकती हैं, misrepresentation and fraud, धोखा ना देना है ना लेना है, उस चीज से कैसे बचा जा सकता है, एंड अदर एरियाज ऑफ कॉशन, कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, सेल्स वारंटी है, इंप्लाइड वारंटी है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में, जो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा. डियर स्टूडेंट्स, फिर हम बात करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ, यानी बिजनेस लेटर शुरू होने से पहले आपको पढ़ाऊंगा मैं कि जब भी आप कोई पीस ऑफ मैटर को लेटर लिखने जा रहे हैं तो उसके ओपनिंग पैराग्राफ में आपने किन बातों का ख्याल रखना है, उसका स्टैंडर्ड, उसका मैयार क्या होना चाहिए, और क्लोजिंग पैराग्राफ में किन बातों का ख्याल रखना है, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए. बेसिकली किसी भी लेटर में ओपनिंग और क्लोजिंग पैराग्राफ बहुत अहमियत रखते हैं, और वो अहमियत क्यों रखते हैं और उनको किस तरीके से लिखा जाएगा, दैट्स व्हाट आई विल टीच यू इन दिस चैप्टर. उसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस लेटर्स. जरा यहां पर मैं आपको बताते चलूं, बजाहिर मैंने यहां पर सिर्फ बिजनेस लेटर्स लिखा है, बट दिस बिजनेस लेटर हैज फर्दर 5-10 चैप्टर्स. फॉर एग्जांपल बिजनेस लेटर्स की पहले तो मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा. थ्योरी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, असेंशियल पार्ट्स ऑफ द लेटर पढ़ेंगे, ऑप्शनल पार्ट्स ऑफ द लेटर पढ़ेंगे, बेसिक फॉर्मेट्स ऑफ द लेटर पढ़ेंगे, फुल ब्लॉक फॉर्मेट, मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट, सेमी मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट, फिर हम पंक्चुएशन स्टाइल पढ़ेंगे लेटर के. जब ये सारी बेसिक थ्योरी हम पढ़ लेंगे लेटर के बारे में, फर्दर मुझे आपको पढ़ाने हैं लेटर्स की काइंड्स पढ़ानी है, कौन कौन से लेटर्स मुझे आपको पढ़ाने हैं, और वो सब इसके अंदर शामिल है. सेल्स लेटर मुझे पढ़ाने, जब आप किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं सेल्स लेटर लिखते हैं. सेल्स प्रमोशन लेटर मुझे पढ़ाने, अपने पुराने कस्टमर्स के जरिए अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं आप, सेल्स प्रमोशन लेटर लिखते हैं. इंक्वायरी लेटर आप लिखते हैं किसी भी मालूमात को हासिल करने के लिए. इंक्वायरी लेटर में फर्दर 3 टाइप्स मौजूद हैं, प्रोडक्ट इंक्वायरी, कैंडिडेट इंक्वायरी, स्टेटस इंक्वायरी. इन तीनों में क्या फर्क है, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा. प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप कहीं कहीं ऑर्डर या परचेज लेटर लिखेंगे. माल खरीदा खराब निकला, खामोश नहीं बैठेंगे आप, क्या करेंगे, सप्लायर को कंप्लेन करेंगे, क्लेम करेंगे, कंप्लेन लेटर लिखेंगे. किस तरीके से लिखे जाएंगे ये सब मुझे आपको पढ़ाना है. और अगर आपके कस्टमर ने आपको कंप्लेन भेजी और आप उस कंप्लेन का रिप्लाई करते हैं तो दैट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट लेटर. रिप्लाई में आप बताएंगे कि जनाब उसके होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए आप तैयार हैं नहीं हैं, और अगर नहीं है तो उसका रीजन क्या, कोई जस्टिफिकेशन आपने उसको देनी होगी. एडजस्टमेंट लेटर की 3 टाइप्स होती है, ग्रांटेड, नॉट ग्रांटेड, ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी कैरियर होता है. फिर मुझे आपको पढ़ाना है जॉब लेटर. जॉब लेटर की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, सोलिसिटेड जॉब लेटर है, अनसोलिसिटेड जॉब लेटर है, दोनों में क्या फर्क होता है आई विल टीच यू इंशाल्लाह इन डिटेल. फिर मुझे आपको सीवी राइटिंग पढ़ानी है, जैसे करिकुलम विटे रिज्यूमे भी कहते हैं. सीवी की भी 3 एग्जाम होती है, फंक्शनल सीवी होता है, कॉम्बिनेशन सीवी होता है, और क्रोनोलॉजिकल सीवी होता है. इन तीनों में क्या फर्क है आई एम गोना डिस्कस इन डिटेल इंशाल्लाह. यहां पर बिजनेस लेटर्स के एग्जाम में 2 या 3 सवाल लाजमी आने ही आने हैं. मैं आपको बता दूं, पास्ट पेपर जिस दिन आपने खोल के देखा आपको इस बात पे यकीन आ जाएगा, 2 या 3 सवाल एग्जाम में इस चैप्टर से लाजमी आते हैं. गौर कीजिएगा कि मैंने इस पे स्टेरिक बनाया, इस पे स्टेरिक बनाया, दे आर द की चैप्टर्स. फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों. लीडिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, लीडिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इस चैप्टर में मुझे आपको पढ़ाने की, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके अंदर कोई ना कोई सलाहियत होनी चाहिए लोगों को लीड करने की. बिकॉज इफ यू आर ऑफिसर, इफ यू आर एग्जीक्यूटिव, इफ यू आर मैनेजर, इफ यू आर डायरेक्टर, आप किसी भी पोस्ट पर मौजूद हैं, आपके अंडर में सबऑर्डिनेट कुछ ना कुछ लोग मौजूद होंगे. 5 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं. आप में सलाहियत होनी चाहिए, आप उन्हें किस तरीके से लीड करेंगे, किस तरीके से उनसे काम लेंगे, उनके साथ मिलकर पार्टिसिपेट करना है, तो यू शुड हैव सम लीडिंग स्किल्स. इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा. इंटरव्यूइंग, कहीं आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो आप इंटरव्यू देने जाते हैं. In the future, the day will come, you will be conducting interviews to the people. तो आप होंगे interviewer. एक होता है interviewer, एक होता है interviewee. पेपर में यही सवाल आता है कि एक interviewer को किस बातों का ख्याल करना चाहिए, what are the requirements for interviewer, what are the basic guidelines for interviewee. दोनों की guidelines क्या हो सकते हैं, interview के types कितने हो सकते हैं, theory chapter है, इस पर हम बात करेंगे इस chapter में. Listening, dear student, this chapter has a very unique and different importance in the whole subject. लिसनिंग क्या, लिसनिंग सुनने को कहते हैं. सुनना क्यों जरूरी है, यहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा हियरिंग और लिसनिंग में क्या फर्क होता है. बिकॉज मैं एक चीज को प्रूव करूंगा जब ये लेक्चर आप मेरा रिकॉर्डेड इंशाल्लाह सुनेंगे बाद में कभी. द वे यू लिसन यू स्पीक द सेम.
इफ यू वॉन्ट टू बी गुड स्पीकर यू हैव टू बी गुड लिसनर. रिमेंबर, अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो आपको अच्छा सुनना जरूरी है. बिकॉज द वे यू लिसन यू स्पीक द सेम. जो हम सुनते हैं हम वही बोलते हैं. कोई भी जुमला, कोई भी लफ्ज जिस लबो लहजे में सुनते हैं, द प्रोनंसिएशन, द एक्सेंट, द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वट एवर यू लिसन सिंस योर चाइल्डहुड यू स्पीक द सेम. आई एम गोना प्रूव दिस, रियली आई एम गोना प्रूव दिस व्हेन यू विल अंडरस्टैंड, व्हेन यू विल लिसन माई लेक्चर लिसनिंग अबाउट लिसनिंग. और एक और जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ यू वॉन्ट टू बी गुड राइटर यू हैव टू बी अ गुड रीडर. अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है. क्यों जरूरी है? बिकॉज जब आप लिखने के लिए बैठते हैं तो आपको अल्फाज का खजाना चाहिए. यू नीड वोकैबुलरी. वोकैबुलरी ख्वाबों में नहीं आती, वोकैबुलरी बाय रीडिंग आती है. रिमेंबर दीज टू सेंटेंसेज अगेन. इफ यू वॉन्ट टू बी गुड स्पीकर यू हैव टू बी गुड लिसनर. इफ यू वॉन्ट टू बी गुड राइटर यू हैव टू बी अ गुड रीडर. दिस चैप्टर हैज डिफरेंट काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस. इससे भी थ्योरी क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं. आई एम गोना टीच दैट. बिजनेस रिपोर्ट्स. रिपोर्ट किसे कहते हैं? रिपोर्ट अ डॉक्यूमेंट दैट हैज सम इंफॉर्मेशन. बचपन से आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स बनी होंगी. एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट बनी होगी जो क्लास टीचर आपकी हर साल बनाता था. उस रिपोर्ट में कुछ लिखा होता था, ब्लैंक होती थी. यस, देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स इन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट अबाउट योर सब्जेक्ट्स. हर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स लिए, परसेंटेज क्या बनी, उस पर कॉमेंट टीचर के आए हुए होते थे. तो दैट्स अ रिपोर्ट. ब्लड टेस्ट रिपोर्ट होती है, एक्सरे रिपोर्ट होती है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स हो सकती हैं. मगर आज हम जिस रिपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है बिजनेस रिपोर्ट. बिजनेस रिपोर्ट किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यू आर रनिंग अ बिजनेस, या आप किसी भी बिजनेस में कहीं मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर हैं. आपकी प्रोडक्ट की सेल पिछले 6 महीने से मुसलसल डिक्लाइन हो रही है. तो आपका बॉस आपको बुला के पूछेगा, सर क्या कर रहे हैं, सेल्स डिक्लाइन हो रही है, कुछ प्लान बनाया? आप बताते हैं कि सर नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया है, उसने हमारी जैसी प्रोडक्ट्स को कॉपी किया है, प्राइस थोड़ी कम रखी है, जिसकी वजह से सेल डिक्लाइन हो रही है, हमारा कंज्यूमर स्विच कर रहा है. तो आपका बॉस कहेगा स्ट्रैटेजी. आप बताओगे सर नई प्रोडक्ट लॉन्च करें, ब्रांड इंट्रोड्यूस कराएं, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग पे पैसा खर्च करें, इंशाल्लाह वी विल कॉप अप द मार्केट. अगर कोई ये कोई स्मॉल स्केल बिजनेस है तो आपका बॉस कहेगा काम शुरू करो. लेकिन अगर ये कोई लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में आपका बॉस कहेगा ये सारी बातें जो आपने मुझे बताई, रीजंस ऑफ डिक्लाइनिंग सेल एंड हाउ टू इंप्रूव सेल, कि मुझे लिख कर दे दें. और जब आप वो लिख कर देंगे, दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिपोर्ट. आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं रिपोर्ट के ऊपर के डिक्लाइन, सेल्स डिक्लाइन हो रही है, रिपोर्ट लिख के प्रेजेंट करें. फैक्ट्री में एक्सीडेंट्स, फायर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रिपोर्ट लिख के प्रेजेंट करें. फर्म एक नई ब्रांच ओपन करना चाहती है, रिपोर्ट लिख के प्रेजेंट करें कि नई ब्रांच खोली जाए नहीं खोली जाए. 100 में से 5 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है, उनको सिलेक्ट करने का क्या मैार आपने रखा है, रिपोर्ट लिख के प्रेजेंट करें. ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में रिपोर्ट के क्वेश्चंस बनकर आ रहे हैं. रिपोर्ट की मैं आपको 2 एग्जाम पढ़ाने वाला हूँ. यहाँ पे लेटर रिपोर्ट फॉर्मेट है, मेमोरेंडम रिपोर्ट फॉर्मेट है, और एक और लॉन्ग रिपोर्ट है. ये आपके सिलेबस में मगर आता नहीं है, लेकिन लेटर रिपोर्ट, मेमोरेंडम रिपोर्ट का एक क्वेश्चन एग्जाम में लाजमी आ रहा है. दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे स्टैटिक बनाया. फाइनली जो आपका चैप्टर है मार्केट रिपोर्ट, यहाँ मार्केट से मुराद स्टूडेंट्स याद रखिएगा स्टॉक मार्केट है. नाम तो सुना होगा कराची स्टॉक मार्केट, अब उसका नाम बदल के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हो चुका है. स्टॉक्स किसे कहते हैं? शेयर्स किसे कहते हैं? शेयर्स प्राइसेस किस तरह अप या डाउन हो रही होती है? स्टॉक मार्केट में आपने कभी सुना होगा तिजारती खबरें सुने आप जाके, तो उसमें आपको मिलेगा प्राइस इंडेक्स किसे कहते हैं, प्राइस इंडेक्सेस किसे कहते हैं. आपने सुना होगा आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में या कराची स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 0.50,000 से शूट कर गए. ये इंडेक्स 0.50,000 कहां से आया? 49,600.32 ये इंडेक्स पॉइंट किसे कहते हैं, प्राइस इंडाइसिस किसे कहते हैं. इस सब के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर में, जिसका नाम है मार्केट रिपोर्ट. इस चैप्टर से भी पेपर में एक थ्योरी आती है और एक रिपोर्ट लिखने का बकायदा सेपरेट क्वेश्चन आता है. एंड रिमेंबर, यहां पर जो क्वेश्चन आ रहा है पेपर में हर साल, आपने कंपलसरी अटेम्प्ट करना है. ये आप च्वाइस में छोड़ नहीं सकते, ये आपने लाजमी करना है. अब अगर आप गौर करें, यहां आपका सिलेबस एंड होता है. मैंने 4 चैप्टर्स के ऊपर स्टैरिक बनाया, इनको मैं की चैप्टर्स कहता हूं. बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल्स, एक क्वेश्चन एग्जाम में लाजमी आ रहा है. बिजनेस लेटर्स, 2 या 3 सवाल एग्जाम में लाजमी आ रहे हैं. बिजनेस रिपोर्ट, एक क्वेश्चन लाजमी आ रहा है. और मार्केट रिपोर्ट का क्वेश्चन तो कंपलसरी आ रहा है, आप चॉइस में छोड़ भी नहीं सकते. सर आप गौर कीजिएगा पेपर पैटर्न पे एग्जाम में सवाल के, एग्जाम में सवालात कितने आ रहे हैं. 8 क्वेश्चन आते हैं विद पार्ट ए एंड बी. पार्ट ए एंड बी का मतलब है, अगर पार्ट ए 10 नंबर का तो पार्ट बी भी 10 नंबर का. एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है. अगर पार्ट ए 5 नंबर का तो पार्ट बी 15 मार्क्स का है. दोनों मिला के एग्जाम में क्वेश्चन 20 मार्क्स का आ रहा है. आपने पेपर में 8 में से अटेम्प्ट करने कितने सवाल, 5 सवाल. मगर उन 5 के अंदर ये क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी है. और कंपलसरी क्वेश्चन किसका है, वो मार्केट रिपोर्ट का है. टोटल 5 सवाल आपने करने एग्जाम में. अब जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन हो गया बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल का, 2 सवाल हो गए बिजनेस लेटर्स के, कितने हो गए, 3.
चौथा सवाल हो गया बिजनेस रिपोर्ट का और पांचवा सवाल हो गया मार्केट रिपोर्ट का। दैट्स व्हाई आई कॉल देम की चैप्टर्स। अगर आपने इन पांच चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया और सिर्फ इसकी तैयारी कर ली, आई गिव यू श्योरिटी आपका 100% पेपर कवर अप हो जाएगा। इससे बाहर पेपर आता ही नहीं है। तो सवाल पैदा होता है, सर क्या बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते? यस आते हैं, मगर वो रिपीट नहीं होते, वो वन ईयर गैप से टू ईयर गैप से आ रहे होते हैं। अब जैसे इंट्रोडक्शन का जो सवाल चैप्टर है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ है, लीडिंग एंड पार्टिसिपेटिंग है, इंटरव्यू है, लिसनिंग है, ये वो चैप्टर्स हैं। इनसे भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, मगर टू ईयर गैप से आ रहे हैं, वन ईयर गैप से आ रहे हैं। तभी तो मैंने यहाँ लिखा आठ सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, आपको पांच ये हो गए, तो बाकी के तीन कौन से हुए? वो बाकी के तीन सवाल रिमेनिंग चैप्टर्स से आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ, लीडिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, इंटरव्यू, लिसनिंग। और ये वो चैप्टर्स हैं जो 100% थ्योरी है और जिनको मैंने की चैप्टर्स पॉइंट आउट किया है, बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल, बिजनेस लेटर्स, बिजनेस रिपोर्ट, मार्केट रिपोर्ट। मैं इनको की चैप्टर्स इसलिए भी कहता हूं कि ये थ्योरी नहीं है, यू नीड अंडरस्टैंडिंग, यू नीड टू हैव सम नॉलेज टू डू सो। इन चैप्टर्स को अटेम्प्ट करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, आपको रिक्वायर्ड चाहिए। तो मैं समझता हूं 70% आपका जो सिलेबस है वो इससे कवर अप हो रहा है। मैं फिर बता दूं आपको, बिजनेस लेटर्स यहां पे सिर्फ एक हेडिंग है, मगर इसमें वो तमाम लेटर्स हैं, सेल, सेल प्रमोशन, इंक्वायरी, ऑर्डर, कंप्लेन, एडजस्टमेंट, जॉब और सीवी, ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो 70% जो आपका सिलेबस है वो इन की चैप्टर्स से है और 30% इन थ्योरी चैप्टर से है। आई होप आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आज के इस ओरिएंटेशन क्लास में बिजनेस कम्युनिकेशन बीकॉम पार्ट एडीसी पार्ट टू का जो सब्जेक्ट है इसके वाले से हुई होगी। उम्मीद करता हूँ और भी कोई क्वेरीज हो तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।